गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग अगेन। पिछले मेरे ख्याल से करीबन 2 महीना से आप लोगों से उतना कुछ बातचीत नहीं हुआ, तो अगेन आई एम टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ सोमस चैनल टू इंटरेक्ट विथ यू। दिसंबर का महीना चल रहा है, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा चार्मिंग विंटर इज देयर, और इस विंटर का जो सबसे अच्छा मज़ा है वो है कुछ अच्छी तरह से खाना, और साथ में क्रिसमस भी आ रहे हैं, न्यू ईयर भी आ रही है। तो सोमा इज़ ऑल्सो बिजी दिस ईयर इन प्रिपेयरिंग द डेकोरेशन फॉर द क्रिसमस इवेंट। एक दिन मेरे साथ जाके थोड़ा बहुत कुछ मार्केटिंग करके आई है, और इस ईयर का जो खासियत है वो है कि सी इज़ प्रिपेयरिंग ऑल द डेकोरेटिव आइटम्स फॉर द क्रिसमस इवेंट बाय हरसेल्फ। तो चलिए आज देखते हैं घर का जो भी प्रोडक्ट वगैरह है उस तरह से वो, सो हाउ सी इज़ यूटिलाइजिंग इट। एंड आज उन्होंने प्रॉमिस किया है कि बहुत दिनों के बाद मेरे लिए कुछ खास बनाएगी। खास बोलने से थोड़ा स्ट्रीट फूड, देखते हैं वो स्ट्रीट फूड भी। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी मैं थोड़ा सा जो क्रिसमस का डेकोरेशन होने वाला है घर पे, उसी का थोड़ा तैयारी कर रही हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा बन चुका है जो है क्रिसमस ट्री, जो एकदम ही मतलब लो कॉस्ट बजट में है। घर पे सारा सामान खरीद के लेके आइए, ये ग्लिटर पाउडर और ऐसे कोन बना लीजिए, और फिर इसको और अंदर ये अंदर मैंने इसको एक्चुअली ये भर के पेपर भर के फिलिंग कर लिया ताकि ये गिर ना जाए और थोड़ा सा हेवीनेस भी आ जाएगा, और फिर नीचे का ऐसा गोल राउंड सेप में काट के फिर इसको मास्किंग टेप के सहारे और फेविकल के सहारे इसको मैंने चिपका दिया, और फिर इसको ऐसे ग्लिटर से डेकोरेट कर दिए। और फिर यहाँ पे भी मैं कुछ ये है रोज़, मैं ऑलरेडी कुछ बनाई हूँ और अभी भी बना रही हूँ, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये सब ग्लिटर्स वाले ये सब बन के मैं तैयार करके रखी हूँ। ये बहुत ही ईजी, आइदर आप टिश्यू पेपर को हल्का सा पानी में डिप करके थोड़ा सा उसको बॉल बना लीजिए, और फिर फेविकॉल के सहारे और इसको थोड़ा सा ड्रिप कर जब ग्लिटर में डिप कर लीजिए तो आराम से ये बन जाता है, और ये सूख भी गया, एकदम हार्ड भी हो गया, एकदम हार्ड हो गया। तो अभी चल रहा है, तो पहले अभी मैं क्या किया, यहाँ पे ढेर सारे कटोरी डिफरेंट रेडियस के मैंने ले लिया, और फिर भी डिफरेंट माप का मैंने यहाँ पे पेपर राउंड करके कट लिया ऑलरेडी यहाँ पे भी। और तो फिर मैं एक दिखाती हूँ कैसे, ऐसे छोटा सा राउंड पेपर लेके इसको ऐसे गोल गोल ऐसे करके काट लेना, और ये जो पॉइंटेड वाला चीज़ आता है इसको थोड़ा सा हम राउंड शेप दे देंगे। और फिर ये जो है ये हाथों के मदद से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोगों के पास ये है क्विलिन टूल्स जो है क्विलिन पेपर से जो हम लोग आर्ट या क्राफ्ट करते हैं उसका ये टूल्स है, तो इसको यहाँ पे ऐसे फंसा के फिर इसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टाइट कस के नहीं करना है, हल्का सा ढीला भी छोड़ना है। और इसको ऐसे खींच के निकाल देना है। तो देखिए ये बन के पूरा अच्छे से तैयार हो गया, और यहाँ पे हल्का सा जो कोन दिख रहा है इसको मैं प्रॉपर शेप दे देंगे, और ये जो हिस्सा है लास्ट का जो है यहाँ पे हम फेविकॉल लगा देंगे हल्का सा, और इसको फिर ऐसे करके
ये ऐसे छोड़ देंगे, फिर ये सूख जाएगा। फिर ऐसे करके मैं सारे अभी बना लूँगी। यहाँ पे भी ऑलरेडी एक है, ये बहुत ही बड़ा है। अगर बड़ा रोज़ बनाना है तो आपका जो है ये बड़ा वाला रेडियस का एक कोई भी प्लेट वगैरह ले लीजिए, नहीं तो सीधा जो है बच्चे लोगों के पास जियोमेट्रिक बॉक्स में रहता ही है, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये भी बन के तैयारी है, इसको भी हम फिक्स कर देते हैं। अभी सारे बन गए, लेकिन ये सब में बहुत टाइम लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। तो आज डिनर में मॉर्निंग में दोपहर को मैं एक्चुअली मॉर्निंग में नहीं दोपहर को मैं मेरे फ्रेंड के साथ मिलने गई थी, तो उन्होंने मुझे आज एग रोल खाया वो खिलाया, बहुत ही मज़ा आया मुझे। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ कि कलकत्ता का बेस्ट स्ट्रीट फूड जो है एग रोल, मैं वही आज बनाऊँगी और आप लोगों के साथ वो रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। तो किचन में चलते हैं, ये सब फिर बाद में होते रहेगा, अभी क्रिसमस आने में थोड़ा सा टाइम भी है, तब तक हो जाएगा ये सारा तैयारी। एग रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी नहीं वही से जैसा खीरा, प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च और अंडा, टोमेटो केचप, नमक, चाट मसाला और मैदा, तेल तो है ही। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इकट्ठा कर लिया, अभी मैं एग रोल बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, रोटी को पहले बना लेती हूँ। अभी सारे रोटी मैंने बना लिया और इसको हल्का मैंने सेक के मैंने हटा दिया। अभी मैं तवा में फिर तेल डाल दिया और अंडे को अच्छे से फेंट ले रहे हैं। मैंने सारा पराठा और एग्स को इकट्ठा मैंने बना लिया, अब इसको मैं अरेंज करती हूँ। एग रोल बन के तैयार हो गया, तो अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना। यम्मी। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए, अगर जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स है एक के जगह पे आप लोग पनीर यूज कीजिए, तो बनाइए जरूर, ट्राई कीजिए। ठंडे के मौसम है, गरम गरम एग रोल एकदम उसका मज़ा लीजिए, एकदम क्या बोलेंगे। तो हम तो मज़ा ले ही रहे हैं, आप लोग भी लीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। गुड नाइट।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब जो आइकॉन है उसमें जाइए और सोमस वर्ल्ड टाइप कीजिए, SOMASWORLD, सोमस वर्ल्ड, देन सब्सक्राइब बटन जो है उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन जो है वो अगर प्रेस करेंगे तो मेरे आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।